मुझे मंदिर के अंदर जाना है, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी मंदिर के, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, दैट्स इट। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ओके? मरना है तो मरो, मैं क्यों मरूं? देखो तुम उधर जाओ। इधर आओ। मुझे पता था यहाँ कोई है, और यहाँ जो भी है उसे चोट लगी है। तुम इधर जाओ, तुम उस तरफ जाओ, और तुम इधर देखो जल्दी। आइए जल्दी आइए। अरे ये खून के निशान, लगता है ये लोग यहीं से गए। जाएंगे क्या करें? नहीं नहीं, कुछ जुगाड़। यही गए होंगे। चलो उधर देखते हैं। कहाँ आ गया जुगाड़ मेरा? निकल ली। लगता है ऐसी सिचुएशन से काफी भागे हो तुम। ऐसा है मैडम जी, ऐसी सिचुएशन में थैंक यू तो बनता है ना। हाँ तो कॉम्प्लीमेंट ही तो कर रही हूँ, कह रही हूँ ना एक्सपीरियंस्ड हो ना। आप ये कांड करती ना ये सब होता, ऐसी फंसा दिया। क्या हो रहा? चलिए यहाँ से, उधर नहीं। था दादी एकदम, दादी आप प्लीज खा लीजिए। दादी आपको पता है मेरी कुकिंग क्लास वाले स्टूडेंट्स भी मेरी बात मानते हैं, और आप मेरी दादियों की मेरी बात नहीं मानती। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप ये दवाई खा ले।
मेरी दो शर्तें हैं। पहले जब जब तुम मुझे गोली खिलाओगी तो साथ में इमली की गोली भी खिलाओगी। इमली की गोली तो मैं आपको तब खिलाऊंगी ना जब घर में इमली की गोली होगी। बेटा मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, इमली की गोली वो ऊपर वाले दराज में है। प्लीज दादी, सिर्फ आधी गोली खाने दूंगी और नहीं। हाँ ठीक है, आधी दवाई। दादी नॉट फेयर। फेयर, अच्छा ठीक। अब बताइए आपकी दूसरी डिमांड क्या है? और दूसरी ये कि तुम मुझे लोरी गा के सुलाओगी। मेरी प्यारी सी दादी। हाय मेरी प्यारी सी पोती। ठीक है, अब आप दवाई खाइए, मैं आपके लिए इमली लेके आती हूँ। चलिए खोलिए। कैसी लगी? चलिए अब आप जल्दी से आराम कीजिए। आइए सुनो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? पुत्री, इसने पहचान तो नहीं लिया? आप तो यूके शुके से है ना? मैं तो आज तक उत्तराखंड से आगे भी नहीं गया। अब पुरानी पिक्चरों का मामला तो हो नहीं सकता ना, पिछले जन्म का कैसे मिले होंगे? क्या कुछ बच्चे थे, पिकनिक मना रहे थे। ठीक है चलो। सुनो, थैंक यू सो मच, तुमने अजनबी होके मेरी इतनी हेल्प की। इतना तो सिर्फ अपने करते हैं, पर तुमने अनजान होके सब कुछ किया। वेलकम मैडम जी। लिसन, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आई मैनेज, तुम जाओ। या यू कैन गो, मैं चली जाऊंगी मंदिर। थैंक यू। मुझे पता था आप लोग लौटेंगे उस निशा को उसके पापों की सजा देने के लिए, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। उसने आपसे जो खुशी छीनी वो सब आपको वापस लेनी होगी। आपको आना पड़ेगा। जो सपने तब अधूरे रह गए थे ना, वो अब पूरे होंगे। छूटी हुई मंजिल का सफर तय करने का समय आ गया है।
ये पंगा क्या है? मंदिर की तरफ क्यों खींचे चले जा रहा हूँ मैं? कैसे कोई इंतजार कर रहा हूँ मेरा? मिस चिपको से पीछा छुड़ाना था, छुड़ा दिया, अब क्यों उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? अर्जुन दिमाग से सोच। यार दिल की सुन रहा, क्या पंगे में पड़ गया हूँ यार। आग लगी मैडम जी।
हो गई। ओ मैडम जी, जाननी मेरी है और मैं सिर्फ जाननी का हूं। मेरी रग रग में जाननी का प्यार है। जानवी जानवी जानवी, आज इस किस्से को मैं यही खत्म कर देती हूँ, यही खत्म कर देती हूँ। निशा नहीं, जानवी देखिए, आपके गीता का पाठ और मेरा काम दोनों सेम टाइम पे खत्म हुआ है। चलिए अब जल्दी से उठ जाइए और दवाई लेके थोड़ी देर सो जाए। पूरा दिन तो आराम करती हूँ मैं, दवाई खा के दोपहर को तो सो गई थी, अब नींद कहाँ से आनी। सुबह पुलिस स्टेशन जाकर मुझे जानवी माँ का नंबर लेना। किसके बारे में सोच रही हो? कुछ नहीं दादी, कल जल्दी उठना है ना, दिवाली है कल, इतना सारा काम करना है, रंगोली बनानी है, फिर दिए भी जलाने हैं, और हाँ मिठाई भी तो बनानी है। अब चलिए हम जल्दी सो जाते हैं ताकि जल्दी उठ जाए। दादी क्या हुआ? तो फिर तुम मेरी बात सुनो, पहले हम कुछ और करते, सांप सीढ़ी खेलेंगे। लगता है आज तो जीतना मेरी किस्मत में ही है। इतनी जल्दी हार मान गई, चलो एक और बार कोशिश करो। मेरा भी छे आ गया। पता है इस खेल की अनोखी बात क्या है? हमें ये एहसास करवाता है कि हमें आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए, हमें जीत का सामना गर्व से करना चाहिए। और निशा जैसी नागिन एक ना एक दिन अपनी ऊंचाई से जरूर नीचे गिरेगी और भगवान उसके कर्मों की सजा उसे जरूर देगा। तो फिक्र मत कर, चलो आप सो जाते हैं, कल दिवाली है, इतना सारा काम है ना। आपने ये सांप सीढ़ी खेलने की विद मुझे सारी बातें समझाने के लिए ना, है ना। I promise दादी, अब से मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी और ये दिवाली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे।
बहुत खुश रहेंगे हम।